वहाँ मैं जीण माता हॉस्टल में रही उसके बाद एक हफ्ते भर में फील हो गया कि मतलब सब अच्छा है घर वर की बिल्कुल याद नहीं आ रही सारा सिस्टम अच्छा है शाम को असेंबली होती थी वो वहाँ इतना मोटिवेट करते थे सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी मतलब दिन में स्टडी आर्स थे मतलब क्लासेस थी क्लासेस के बाद असेंबली और रात को कैंप मतलब घर को याद करने का आपको टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पर उसके बाद आपका हर 15 डेज में एक माइनर होता है माइनर की तैयारी करते थे अगले दिन बॉस रिज़ल्ट के लिए अच्छा आता था, था तो तारीफ करते थे वरना डांट देते थे फिर माइनर्स चलते जा रहे थे अच्छी तैयारी हो रही थी फिर बीच में बॉस ने रैंडम शुरू किए हर थर्सडे को सुबह छः बजे जाते थे सी बिल्डिंग वहाँ बॉस मिलते थे पेपर वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहीं उसका सोल्यूशन वहीं रैंक सब वहीं पर वहीं डांट वही

फिर बॉस फिर आए बोले घबराना नहीं है मैं हूँ तुम्हारे साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ आए जुड़े और उस लॉकडाउन में हमारा सिलेबस तीन चार बार रिवाइज हो गया था पेपर शिफ्ट होता और वो फिर से वो डी शुरू कर देते हैं फिर से लग जाओ और फिर लास्ट में थर्टीन सेप्टेम्बर को पेपर हो गया और सिक्स सिक्स वन के स्कोर के साथ आज मैं

पूरी तरह से पढ़े उसको तो छोड़ना ही नहीं है और टीचर्स के नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे तभी एन समझ आएगी उसके अलावा वो उसको फॉलो करें जैसा कहते हैं ऐसा करते जाएं आप पक्का रैंक ले जाएंगे अच्छे कॉलेज में जाएंगे और एस एम एस आएंगे वेलकम टू तो एस एम एस थैंक यू पुत्र मुझे मैं जरा एक एक डेट बता दूं आपको 20 मार्च को आप घर आए 3 मई को आपका एग्जाम था एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ डेट आई छब्बीस जुलाई की छब्बीस जुलाई की एग्जाम पोस्टपोन हुई एक डेट आई तेरह की जब एग्जाम पोस्टपोन हुई उस रात में साढ़े बारह लाइव आया था जिसमें आप आठ सौ लोग मेरे साथ थे कोई रोने आ धोना फोन आए थे मुझे एक एक पल याद है साहब डेढ़ <laughs> साल का समय मुझे एक एक चीज याद है और तेरह तारीख को सुबह हम लोगों ने जो अनुमानता से किया हमारा जिसका आप सब लोग जुड़े उसकी देने की आज हम सफलता के साथ यहाँ बैठे एक बार दो तरह